नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योग नगरी ऋषिकेश में। और हम लोग दो तीन दिन से यहाँ पर घूम रहे हैं और ये जगह दोस्तों काफ़ी पीसफुल है, और अगर आप लोग भी यहाँ पे आते हैं तो आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा और काफ़ी शांति मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों आपको टेंपल, वाटरफॉल, राफ्टिंग, एडवेंचर, कैंपिंग, गंगा आरती और यहाँ पे काफ़ी कुछ है करने के लिए। और अगर आप यहाँ पे आने का प्लान बना रहे हो तो हमारी इस वीडियो को दोस्तों पूरा देख लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर आप लोग हमारी तरह घूमने के शौकीन हो और इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऋषिकेश माँ गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है और ये योगा एंड एडवेंचर एक्टिविटीज का हब है। साथ ही साथ ऋषिकेश हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ऋषिकेश में इंडियन टूरिस्ट के साथ साथ आपको काफी सारे फॉरेनर्स भी दिखेंगे जो यहाँ पे योगा एंड मेडिटेशन सीखने आते हैं, और इसीलिए ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ऋषिकेश उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये दिल्ली से अराउंड 250 किलोमीटर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं या फिर आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ एडवेंचर के लिए आना चाहते हैं तो ऋषिकेश आना सबसे बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों चलते हैं और आज की इस खास वीडियो में ऋषिकेश को एक्सप्लोर करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है हमारा डे वन ऋषिकेश में और आज ही हम लोग दिल्ली से यहाँ पे आए हैं और हमें यहाँ आने में 4 से 5 घंटे लगे हैं क्योंकि रोड जो है ना वो बहुत बढ़िया बन गए हैं। और अगर आप लोग भी दिल्ली एनसीआर से आने का यहाँ प्लान कर रहे हो तो आप लोग मेरठ, मुजफ्फरनगर और रुड़की होते हुए, हरिद्वार होते हुए आप लोग ऋषिकेश आ सकते हो और हार्डली यहाँ पे आप लोग 4 से 5 घंटे में पहुँच जाएंगे। और अगर आप लोग बजट में आना चाहते हो तो आसपास के एरिया से यहाँ पे डायरेक्ट वॉल्वो बस भी आपको मिल जाएगी, और अगर आप किसी दूर के स्टेट से प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है। ऋषिकेश में भी रेलवे स्टेशन है और हरिद्वार में भी रेलवे स्टेशन है, तो आप यहाँ पर बाय ट्रेन भी आ सकते हो। वैसे मोस्टली जो ट्रेन्स हैं वो आपको हरिद्वार तक के लिए अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी, और हरिद्वार से जो ऋषिकेश है वो हार्डली अराउंड 25 किलोमीटर है, तो वहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएंगी, ऑटोज़ वगैरह मिल जाएंगे, तो आप लोग फिर ऋषिकेश यहाँ पर आ सकते हो। तो दोस्तों ये हो गई यहाँ पर आने की बात, अब चलते हैं और फटाफट से ऋषिकेश को एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं अपनी फर्स्ट प्लेस जो आपको ऋषिकेश में एक्सप्लोर करना है, एंड दैट इज़ राम झूला। बेसिकली ये जो राम झूला है ना, ये एक सस्पेंशन ब्रिज है और लोग यहाँ से जो है इसे रिवर क्रॉस करने के लिए यूज़ करते हैं। और आप सामने देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू है, गंगा मैया का जो कलर है ग्रीन कलर, वो काफ़ी, मतलब आप यहाँ पर अगर बैठोगे ना, यहाँ पर आप खड़े होगे ना तो काफ़ी आपको सूदिंग लगेगा, और नीचे लोग रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है। तो अभी हम आ रहे हैं राम झूला से, और क्या ही एक्सपीरियंस है जब आप राम झूला पे चढ़ेंगे ना तो थोड़ा वो शेक होता रहता है। और अगर आप इस साइड देखेंगे ना तो आपको लेफ्ट साइड में बहुत ही ब्यूटीफुल माउंटेन्स का व्यू दिखेगा, और नीचे देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल आपको गोवा बीच दिखेगा। जनरली यहाँ पर एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे लोग बाग नहाते वहाते हैं, तो उसको एज आ गोवा बीच के नाम से ये फेमस है। और जैसे ही आप लोग राम झूला क्रॉस करेंगे तो अगर लेफ्ट जाएंगे तो लेफ्ट आ जाएगा आपका लक्ष्मण झूला, एंड अगर आप राइट जाते हैं तो राइट में है स्वर्ग आश्रम, और आप लोगों को पता है कि स्वर्ग आश्रम इज़ अ एपी सेंटर ऑफ योगा एंड मेडिटेशन। दोस्तों अभी हम आ गए हैं स्वर्ग आश्रम वाले एरिया में, और मैं इस जगह के बारे में आपको क्या ही बताऊं, इतनी ब्यूटीफुल जगह है ये और इतनी शांति आपको मिलेगी ना, मतलब इस जगह में ना कुछ है, मतलब कुछ फ्रिक्वेंसी या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ पे आपको आके ऑटोमेटिकली इतनी शांति मिलेगी ना कि आपको लगेगा यार कि मैं कहाँ ही आ गया। और यहाँ पे बहुत सारे घाट हैं तो आप कहीं भी बैठ जाइए और वहाँ पर भजन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों स्वर्ग आश्रम जो एरिया है ना वो काफ़ी बड़ा है और इसमें काफ़ी सारे बड़े और फेमस आश्रम हैं, जैसे कि परमार्थ निकेतन हो गया, गीता भवन, बीटल्स आश्रम। और परमार्थ निकेतन के सामने आपको भगवान भोलेनाथ की मूर्ति दिखाई देगी जो कि ध्यान लगाए हुए गंगा जी में बैठे हुए हैं, और सामने ही आपको जो है हनुमान जी की भी मूर्ति दिखाई देगी। कितनी भी लाइफ में परेशानी हो, कितनी भी दिक्कत है, ऋषिकेश आ जाओ और ऐसे गंगा किनारे बैठ के और नेचर को फील करो, बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठूँगा, आधा पौन घंटा थोड़ा मेडिटेशन करूँगा, और उसके बाद जाएंगे यहाँ का फेमस आश्रम
जो कि है बीटल्स आश्रम। तो दोस्तों अभी हम आगे हैं बीटल्स आश्रम में। ये ऋषिकेश का वन ऑफ द फेमस आश्रम है और बेसिकली ये फेमस है क्योंकि यहाँ पर एक बीटल्स बैंड था जो कि इंग्लिश बैंड था और वो यहाँ पे आए थे मेडिटेशन की स्टडी करने के लिए और उस टाइम पर उन्होंने कुछ गाने लिखे थे जो काफ़ी फेमस हुए थे और इसी वजह से इस आश्रम को बीटल्स आश्रम के नाम से जाना जाता है। और इसका दूसरा नाम है 84 कुटिया और हमारे पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी सारी जो है कुटियाज़ बनी हुई हैं और यहाँ पर जो भी साधु महात्मा लोग थे और जो भी लोग यहाँ पर सीखने आते थे मेडिटेशन सीखने आते थे वो यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन वगैरह की प्रैक्टिस करते थे। अब मैं आपको ये कुटिया दिखाता हूँ अंदर से। तो ये ना आई थिंक एक पर्टिकुलर एक इंसान के लिए होती होगी और ये देखो यहाँ से है, नीचे ही देखो रहे हो स्टेयर्स भी है। ये ना डबल स्टोरी है, बाहर से तो इतनी छोटी लग रही थी, वैसे है ये डबल स्टोरी। नीचे मैं जानबूझ के नहीं गया क्योंकि पता नहीं यार कैसी सीढ़ियाँ थी, टूटी वो कुछ हो। तो आप लोग भी ट्राई करना कि मत जाना, सिर्फ बाहर बाहर से देख लेना और फोटोज वगैरह क्लिक करा लेना। सो गाइज वी हैव सम इंटरनेशनल टूरिस्ट इन आवर व्लॉग। हाउ इज योर एक्सपीरियंस कायाथांग इन ऋषिकेश? ओह इट्स एन अमेजिंग प्लेस। सो इट्स माय फर्स्ट टाइम इन इंडिया, आई केम स्ट्रेट टू ऋषिकेश एंड आई डोंट रिग्रेट इट। इट्स वेरी स्पिरिचुअल, nature is stunning and people just smile at each other on the street. So you can come here to take a workshop, yoga classes, drop-in yoga classes, stay in an ashram. So guys, देखा आपने, ये ऋषिकेश तो फॉरेन में भी इतनी फेमस है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, अगर प्लान बना रहे हो तो फटाफट से ऋषिकेश आ जाओ। तो दोस्तों ऋषिकेश आप जब भी आएंगे मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा कि फर्स्ट डे में आप लोग ट्राई करना कि आप लोग रामझूला और रामझूला के जो आसपास जो स्वर्ग आश्रम वाला एरिया है आप लोग वही एक्सप्लोर करना, क्योंकि जब फर्स्ट डे में आप लोग अपने अपने शहरों से आओगे तो जनरली हम लोग टायर्ड होते हैं और आपको कोई भी एडवेंचर एक्टिविटी करने में इतना मज़ा नहीं आएगा। तो ट्राई करना कि आप लोग जो भी एडवेंचर एक्टिविटी है वो सेकेंड डे ही करना। सो गाइज अभी हम आ गए हैं गोवा वाले बीच पे और ये बेसिकली बीच जो है ये गंगा का किनारा है जहाँ पे लोग आराम से रिलैक्स करते हैं और यहाँ का सनसेट ना बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। रेत है यहाँ पे चारों तरफ, तो आप यहाँ पर अपने जूते चप्पल उतार के यहाँ पे पैदल चलिए, बहुत ही सीरीन लगेगा। तो अभी हम वेट कर रहे हैं सनसेट का, जैसे ही सनसेट होगा उसके बाद परमार्थ निकेतन पे शुरू हो जाएगी आरती और उसके बाद फिर हम लोग आरती का आनंद लेंगे। तो दोस्तों जब भी आप ऋषिकेश जाएंगे आप डे वन की आइटनरी कुछ इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले आप जाइए रामझूला, रामझूला के बाद आप जा सकते हैं स्वर्ग आश्रम। स्वर्ग आश्रम में ही काफी सारे रेस्टोरेंट है और यहाँ पे एक फेमस रेस्टोरेंट है चोटी वाला, जहाँ पर आप अपना लंच कर सकते हो। उसके बाद आप जाइए बीटल्स आश्रम और बीटल्स आश्रम के बाद आप लोग सनसेट एंजॉय कर सकते हो गोवा बीच पे और उसके बाद आप लोग परमार्थ निकेतन की आरती में शामिल हो सकते हो। तो इस तरीके से रिलैक्सिंग वे में आप लोग अपना डे वन प्लान कर सकते हो। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारा दूसरा दिन ऋषिकेश में और कल का जो हमारा दिन था वो बहुत ही अमेजिंग गया। परमार्थ निकेतन पे जो गंगा आरती थी उसका एक्सपीरियंस तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है हाउ वी कैन एक्सप्लेन सच फीलिंग्स। और आप ये जो मेरे पीछे ब्यूटीफुल कॉटेजेस देख रहे हो ना, ये हमारा रिजॉर्ट है और ये दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट है ऋषिकेश में। तो फटाफट आ जाओ, मैं आपको उसका टूर देता हूँ। गाइज हमारी जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है पेबल्स रिजॉर्ट। ये जो प्रॉपर्टी है ना ये जंगलों के बीच में है, तो यहाँ पे जब आप स्टे करेंगे ना तो आपको लगेगा कि आप नेचर के बीच में हैं। और जैसे ही आप इस प्रॉपर्टी में एंटर होंगे ये आपको दिखेगा ब्यूटीफुल सा गार्डन। और दोस्तों ये देखो जो इन्होंने गार्डन एरिया इन्होंने इतना मेंटेन कर रखा है ना, आपको बहुत सारे यहाँ पे जो है फ्लावर्स देखने के लिए मिलेंगे और डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हैं। आप देखो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स के फ्लावर हैं। आ जाओ अब आपको कॉटेज दिखाता हूँ। सो गाइज ये है हमारी कॉटेज, आप ये देखो बहुत ही ब्यूटीफुल और बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। सामने एसी भी दिया हुआ है और इधर है वॉशरूम और आपको यहाँ पे रुक के काफ़ी अच्छा भी लगेगा। और आप जैसे ही अपने कॉटेज से बाहर निकलेंगे और सामने है ये ब्यूटीफुल सा गार्डन। बच्चों वगैरह के साथ आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा झूले वगैरह भी हैं और यहाँ पे सिटिंग एरिया भी है, तो यहाँ पर आप अपनी
चाय कॉफी वगैरह एंजॉय कर सकते हो। इसका जो रेट आपको पड़ेगा वो है 3500 पर पर्सन। ऋषिकेश में आप कहीं भी रिजॉर्ट लेते हो ना तो आपको जनरली यही प्राइस पड़ेगा, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500। दोस्तों ऋषिकेश में आपको नीलकंठ रोड पे सारे सिमिलर रिजॉर्ट देखने को मिलेंगे जो कि ह्यूल रिवर के किनारे बने हुए हैं, तो यहाँ आप अपने बजट के अकॉर्डिंग रिजॉर्ट्स ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप बजट में होटल लेना चाहते हो तो आप लोग लक्ष्मण झूला और तपोवन के आसपास ले सकते हो। यहाँ पर आपको 1000 रुपए से होटल शुरू हो जाते हैं, और अगर आप ऋषिकेश सोलो आ रहे हो या आपका 4-5 बॉयज का ग्रुप है तो लक्ष्मण झूला के पास आपको 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच में आपको हॉस्टल भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है कि आप ऋषिकेश का कंप्लीट पैकेज ले सकते हो, जिसमें होटल, टैक्सी और ट्रैवल कंपनी से बात करके आप एडवेंचर एक्टिविटीज भी ऐड करा सकते हो। तो अगर आपको ऋषिकेश का ट्रैवल पैकेज चाहिए तो आप फ्लूटो हॉलीडेज कंसिडर कर सकते हो। ये दिल्ली एनसीआर की काफी रिनाउंड ट्रैवल कंपनी है और इनकी सर्विसेज काफी अच्छी हैं। और ऋषिकेश के साथ साथ आप नैनीताल, जिम कॉर्बेट, मसूरी का भी पैकेज इनसे ले सकते हो। सो गाइज, ये हो गई होटल्स की बात, और दोस्तों आज हम करने वाले हैं एडवेंचर, और सबसे पहले हम जा रहे हैं यहाँ का हिडन जेम। अब तो हिडन नहीं बचा, खैर हम जा रहे हैं ऋषिकेश का वाटरफॉल। तो दोस्तों फटाफट चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं नीलगढ़ वाटरफॉल पे, और आप देख सकते हो कि ये ट्रैक है, और ये जो ट्रैक है ना ये करीबन 0.5 किलोमीटर का है। तो फटाफट आ जाओ और अब आपको घुमाता हूँ मैं वाटरफॉल। तो दोस्तों बीच बीच में ना आपको ऐसे वाटरफॉल मिलते रहेंगे, लेकिन अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर आगे है मेरे दोस्त। तो भाई साहब, जिन लोगों को ट्रैक का शौक है ना उनको तो ये जगह बहुत पसंद आने वाली है। भैया कितना आ गए होंगे हम लोग? अभी 100-150 मीटर बाकी है। क्या बोलोगे ट्रैक के बारे में, मतलब कैसा है? इजी है, मॉडरेट है, थोड़ा मुश्किल है? बस थोड़ा मुश्किल है ना। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं वाटरफॉल के सामने, और आप ये देखिए गाइस कितना ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, एंड नीचे लोग मस्त नहा रहे हैं। एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जब भी आइएगा ना अपने साथ एक जोड़ी कपड़े लेके आइएगा, और सामने ही चेंजिंग रूम है, यहाँ पे मस्त चेंज करो कपड़े और नहाओ धो और मस्त अपना मैगी वैगी चाय वाय इंजॉय करो। ये था हमारा दोस्तों एक्सपीरियंस, और अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेस पे। तो दोस्तों नीलगढ़ वाटरफॉल के बाद आप लोग जा सकते हो ऋषिकेश की फेमस रिवर राफ्टिंग के लिए। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग 12 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 24 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की होती है। जितनी लंबी आप राफ्टिंग लेंगे उतने आपको बीच बीच में रैपिड्स मिलेंगे, और मेन जो एडवेंचर है दोस्तों वो रैपिड्स का ही आता है। और जब आपकी राफ्ट रैपिड से निकलती है तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो काफी एडवेंचरस होता है। राफ्टिंग करने से पहले आप लोग दो बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जब भी आप राफ्टिंग के लिए जाएंगे तो आपको लाइट फूड लेना है, अगर आप ऑयली फूड खा के जाओगे तो आपको वॉमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंडली, या तो आप राफ्टिंग मॉर्निंग में कर लेना या फिर आप इवनिंग में कर लेना। अगर आप राफ्टिंग आफ्टरनून में करोगे तो आप धूप में परेशान हो जाओगे। रिवर राफ्टिंग बुक कराने के लिए आपको लक्ष्मण झूला के आसपास और तपोवन एरिया के आसपास आपको काफी सारी शॉप्स देखने के लिए मिलेंगी, जहां से आप लोग राफ्टिंग अपनी बुक करा सकते हो, या फिर आप लोग हमारी तरह ऋषिकेश का कंप्लीट ट्रैवल पैकेज ले सकते हो, जिसमें आपको ट्रैवल कंपनी राफ्टिंग के साथ साथ अदर एक्टिविटीज भी आपको बुक करवा देंगी। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंपनी की डिटेल दे रखी है, आप जाके अपना ट्रैवल पैकेज बुक करा सकते हो। सो गाइज, नेक्स्ट प्लेस जो आप ऋषिकेश में एक्सप्लोर कर सकते हो वो है लक्ष्मण झूला। लेकिन क्या है कि अभी आप लक्ष्मण झूला पे नहीं जा सकते, क्योंकि लक्ष्मण झूला पे अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। हम लोग लास्ट टाइम भी आए थे तब भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो हो सकता है कि अगर आप आओगे या इस साल के एंड तक आओगे तो तब तक जो है लक्ष्मण झूला का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए। अभी का हमारा प्लान ये है कि लक्ष्मण झूला के आसपास ना काफ़ी सारे कैफ़े हैं, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे कुछ खाते पीते हैं, और सनसेट होने वाला है। जैसे हमने कल सनसेट इन्जॉय किया था वैसे आज हम किसी कैफ़े में बैठ के अच्छे से, और वहाँ पे फिर हम लोग सनसेट इन्जॉय करेंगे। लक्ष्मण झूला के पास में ना गाइस बोटिंग भी होती है, तो अगर आप बोटिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप बोटिंग भी कर सकते हो। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं गंगा व्यू कैफ़े में। यहाँ की वाइब ना गाइस बहुत अच्छी है। दिस कैफ़े स्पेशली इज़ फेमस फॉर फूड, अगर आप फूडी हो तो यहाँ पे आप आ सकते हो। और ऐसे ना लक्ष्मण झूला के पास में आपको काफ़ी सारे कैफ़े मिल जाएंगे, जैसे कि है फ्रीडम कैफ़े, लिटिल बुद्धा कैफ़े, और इसके बगल में कारवा है, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। और जस्ट ये गंगा के किनारे बने हुए हैं, तो यहाँ से जो व्यू आता है ना वो बहुत अमेजिंग आता है।
एंड स्पेशली लोग यहाँ पे सनसेट के टाइम पे आते हैं, तो उस टाइम पे गाइस बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं अपने शिवाय भाई के ऑफिस में। दोस्तों ये भाई की शॉप है आपका लक्ष्मण झूला के पास में, और यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाएगा? सर मेरे पास में आपको बाइक रेंट की सर्विस मिल जाएगी। हमारे पास में 60+ बाइकें हैं, कैटेगरीज बाइक है, जैसे नॉर्मल्स लोग आते हैं नॉर्मल्स के लिए नॉर्मल एक्टिवाज वगैरह है, कुछ आते हैं जिनको स्पोर्ट्स एक्टिवा वगैरह चाहिए तो स्पोर्ट्स एक्टिवा वगैरह है, अपने पास हिमालयन है, ड्यूक है, 60+ व्हीकल्स है अपने पास में। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूंगा और इसकी जो लोकेशन है वो भी मैं आपको डाल दूंगा। बाकी स्कूटी वगैरह तो आप जहां पर भी आपका होटल होगा ये वहां पर आपको ड्रॉप और पिकअप की सर्विसेज अवेलेबल है, सब कुछ दे देंगे। हाँ दोस्तों, ऋषिकेश चाहे आप अपनी पर्सनल कार से आए या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, ऋषिकेश काफी भीड़ भाड़ वाली सिटी है तो स्कूटी और बाइक से एक्सप्लोर करना काफी कन्वीनियंट रहता है, और अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। दोस्तों डे टू की आइटनरी आपको जिस तरीके से प्लान कर सकते हो, मॉर्निंग में सबसे पहले आप जाइए राफ्टिंग के लिए, उसके बाद आप जा सकते हो नीरगर वाटरफॉल, वाटरफॉल एंजॉय करने के बाद आप जा सकते हो लक्ष्मण झूला, और लक्ष्मण झूला के आसपास काफी ब्यूटीफुल मार्केट है और काफी सारे आपको कैफे मिल जाएंगे या फिर मार्केट में ही काफी सारे रेस्टोरेंट है तो आप लोग अपना वहाँ डिनर वगैरह कर सकते हो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है हमारा थर्ड डे ऋषिकेश में। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम हैं कहाँ पे, तो ये जो रिवर आप जो देख रहे हो ना इसका नाम है ह्यूल रिवर। तो हमारा जो कैंप है ना उसके बैक साइड में ये रिवर पड़ती है, तो यहाँ पे आप आ सकते हो, फोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हो। और आज हम जा रहे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर, जो कि लक्ष्मण झूला से अराउंड 20 से 22 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो फटाफट चलते हैं। तो दोस्तों नीलकंठ मंदिर ऋषिकेश का एक प्रमुख मंदिर है और ये पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मंदिर में जाने में आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। यहाँ जाने के लिए आप या तो टैक्सी हायर कर सकते हो या फिर आप लोग स्कूटी रेंट कर सकते हो। अगर आप अपनी गाड़ी से ऋषिकेश आए हैं तो रोड कंडीशन वगैरह बढ़िया है तो आप मंदिर तक आराम से जा सकते हैं, और मंदिर के पास आपको कार पार्किंग फैसिलिटी भी मिल जाएगी। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं नीलकंठ महादेव मंदिर। दोस्तों इस मंदिर के पीछे की एक कहानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम पर जो उसमें से विष निकला था ना, वो हमारे जो भोले भंडारी हैं शंकर जी, उन्होंने वो विष पी लिया था और उनका जो कंठ था वो नीला पड़ गया था, और उन्होंने वो यहीं पर ही पिया था, इसलिए इस मंदिर का नाम है नीलकंठ मंदिर। बाकी अब चलते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी हम आ रहे हैं दर्शन करके बाबा नीलकंठ के, और क्या ही बढ़िया दर्शन हुए हैं, मतलब मन एकदम खुश हो गया है। और ज़्यादा नहीं, आपको केवल 5-10 मिनट लगेंगे दर्शन करने में, थोड़ी सी भीड़ मिलेगी आपको। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, मंदिर के आसपास ना काफ़ी सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं और बढ़िया रेस्टोरेंट है, तो आप यहाँ पे चाहो तो दर्शन करने के बाद अपना खाना पीना खा सकते हो। और यहाँ पे मैंने देखा कि 2-3 अच्छे होटल्स हैं, तो अगर आप चाहते हो कि यहीं पर स्टे करना तो यहाँ पर आप लोग स्टे भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आप लोग आएंगे आपका मन एकदम खुश हो जाएगा। तो दोस्तों ऋषिकेश में एक ऐसा घाट है, आप अगर ऋषिकेश आ रहे हो तो आपको वो बिल्कुल ही मिस नहीं करना है, वो है त्रिवेणी घाट। ऐसी यहाँ की मान्यता है कि त्रिवेणी घाट में 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। ये जो घाट है ये प्रसिद्ध है अपने दिव्य आरती के लिए, और यहाँ की जो आरती है ना उसके लिए मेरे पास एक ही शब्द है, दैट इज़ डिवाइन। बहुत ही ब्यूटीफुल है, अगर आप आरती में शामिल होगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस पूरे घाट को देखिए आप, ये घाट भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, और सामने सनसेट ऑलमोस्ट हो रहा है और उस टाइम पर भी ये घाट काफ़ी सुंदर लगता है। दोस्तों त्रिवेणी घाट की ऐसी मान्यता है ना कि यहाँ बताया जाता है कि जो लोग यहाँ पे स्नान करता है और यहाँ की आरती में शामिल होता है तो ऐसा माना जाता है कि उसके जो है पाप वगैरह धुल जाते हैं। तो अगर आप लोग ऋषिकेश आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग ज़रूर आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अभी थोड़ी देर में आरती शुरू होने वाली है और उसमें भी हम लोग शामिल होंगे।
गाइस ये थी ऋषिकेश की सारी प्लेसेस जो आप 2 से 3 दिन में एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपके पास इससे ज़्यादा टाइम है तो आप आसपास में 2-3 प्लेसेस और हैं जहां आप जा सकते हो, जैसे आप लोग कानाताल जा सकते हो, हरिद्वार भी आप अपने आइटनरी में ऐड कर सकते हो। ऋषिकेश से 30-40 किलोमीटर दूर पड़ता है कोडियाला, आप वहां पर भी जा सकते हो। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ऋषिकेश जाने का बेस्ट टाइम क्या होगा। वैसे तो आप ऋषिकेश पूरे साल जा सकते हो एक्सेप्ट मॉनसून, क्योंकि मॉनसून में रिवर राफ्टिंग बंद हो जाती है और इस टाइम पर लैंडस्लाइड होने का भी खतरा होता है, तो आप मॉनसून सीजन अवॉइड कीजिएगा। दोस्तों ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग के अलावा भी कई सारी एडवेंचर एक्टिविटी होती हैं, जैसे कि बंजी जंपिंग, जायंट स्विंग, फ्लाइंग फॉक्स। ऋषिकेश में मेनली 2 कंपनीज हैं, जंपिंग हाइट और स्पर्स बंजी, और इनका ऑफिस आपको लक्ष्मण झूला के पास मिल जाएगा, तो आप लोग इनके थ्रू काफी सारी एक्टिविटीज कर सकते हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ऋषिकेश घूमने में आपका क्या बजट आएगा। दोस्तों अगर आप लोग हमारी तरह अगर अच्छे रिजॉर्ट्स लेते हो और टैक्सी वगैरह करके पूरा ऋषिकेश एक्सप्लोर करते हो, और अगर आप दिल्ली के आसपास के शहर से आ रहे हो, तो आपका मिनिमम आप मान के चलिए कि 12 से 15 हज़ार रुपये पर पर्सन तक का बजट आपका आएगा। लेकिन अगर आप बजट ट्रैवलर हो और बजट में ऋषिकेश एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो शिवपुरी में कैंपिंग होती है, आप कैंप लेके और स्कूटी वगैरह रेंट करके और थोड़ा बस वगैरह से ट्रैवल करके आप अपना जो ट्रिप है वो बजट में कर सकते हो। और आप में से बहुत लोग ट्रैवल पैकेज लेने की सोच रहे होंगे, तो ऋषिकेश का पैकेज जो है वो 10,000-12,000 रुपये से शुरू हो जाता है, जिसमें गाड़ी आपको मिलेगी जो दिल्ली से आपको लेके ऋषिकेश जाएगी और उसके बाद पूरा ऋषिकेश घुमाने के बाद वापस दिल्ली आपको ड्रॉप कर देगी। और अगर आपको पैकेज लेना है तो बिना किसी थॉट के आप फ्लूटो हॉलीडेज कंसिडर कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया कंपनी है, मैं काफ़ी बार इनके थ्रू उत्तराखंड ट्रैवल कर चुका हूँ और सर्विसेज वगैरह बढ़िया रहती है, रिस्पांस वगैरह सारा ये टाइम पे देते हैं और जो इनकी आइटनरी है वो भी काफ़ी बढ़िया रहती है। बाकी अगर आप हमारी वीडियो का रेफरेंस देंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट वहां से मिल जाए, और कंपनी की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके अपना पैकेज बुक करवा सकते हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो, और कुछ भी अगर आपको डाउट हो या क्वेरी हो ऋषिकेश ट्रिप के रिगार्डिंग, तो आप नीचे वीडियो के कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप डायरेक्टली मेरे को DM करके पूछ सकते हो, हम लोग हमेशा आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज का आंसर देते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।